नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सिदाई क्षेत्र स्थित एक नर्सिंग होम में रविवार की रात को कर्मचारी के दुर्व्यवहार के मामले पर हंगामा मच गया। अस्पताल और परिजन दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना के बाद सिदाई थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामला सिदाई से सटे सरोज हॉस्पिटल का है। सठिया क्षेत्र के निवासी अजय नाथ राय व हरिप्रकाश राय ने बताया कि वो अपने भतीजे जिसकी तबीयत बिगड़ गई थी उसको दिखाने के लिए देर शाम को सरोज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर पंकज जायसवाल ने मरीज को देखा और कुछ जांच के लिए भेजा। इस दौरान बुजुर्ग परिजन परिसर के बाहर की तरफ खड़े थे, तभी अचानक से अस्पताल का ही एक 18 से 20 वर्ष के बीच की उम्र का कर्मचारी आया और खड़े बुजुर्ग समेत सभी परिजनों को तुम तड़ा करते हुए बाहर जाने को कहा। जब बुजुर्ग अजय नाथ राय और हरिप्रकाश राय ने उम्र का हवाला देते हुए दुर्व्यवहार न करने को कहा, तब उक्त कर्मचारी के पक्ष में अन्य कर्मचारी आ गए, शोर मचाने लगे। आरोप में अन्य कर्मचारी भी आ गए, शोर मचाने लगे। आरोप में कुछ कर्मचारी मारपीट के लिए बेल्ट भी निकाल लिए थे। वहीं डॉक्टर भी चैम्बर से आकर ललकार रहे थे। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई, तब डॉक्टर ने किसी प्रकार दुर्व्यवहार से इनकार किया। पुलिस के सामने परिजनों ने भी तमाम आरोप लगाए। वहीं डॉक्टर भी अस्पताल में रात में इमरजेंसी व अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शोर मचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया है, आरोपी से इनकार किया है। थोड़ा सा क्या नाम है आपका? हरिप्रकाश राय। हरिप्रकाश जी, क्या मामला हुआ आज सरोज हॉस्पिटल पे आप आए हैं? मैं अपने भतीजा को लेकर आया था यहाँ दिखाने के लिए, मिंटू नाम है, उसको डॉक्टर साहब ने देखा है और रिपोर्ट के लिए ब्लड जाँच के लिए दिया था। ब्लड उधर जांच हो रही थी तब तक उनका एक छोटा कर्मचारी आकर के कहा कि तुम लोग बाहर चलो यहाँ से। मैंने कहा कि अरे यार, बोलने की तमीज़ सीखो, ये क्या तुम लोग लगाए हो? तुमसे बड़े बड़े मेरे पास बच्चे हैं। इसके बाद वो उग्र हो गया। उसके साथ इनके दो तीन कर्मचारी और उग्र हो गए, वो सब हम लोगों को ढकेल करके बाहर करने लगे हैं। उस बीच में पंकज जायसवाल बाहर निकल आए हैं, वो गाली गलौज करते हुए मारो सालों को भगाओ सालों को करते हुए इसके बाद उनके 8-10-12 कर्मचारी जो है उग्र होकर के बेल्ट निकाल लिए और हम लोगों को झापड़ से बेल्ट से मारते पीते ठेल करके बाहर किए हैं। चाचा, एक सवाल मैं पूछूंगा कि क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 66 साल है। 66 साल में अभी तक किसी चिकित्सक के यहाँ इस तरीके का वारदात आपके साथ हुई थी? नहीं, कभी किसी चिकित्सक के यहाँ नहीं हुआ था अभी तक। तो ये चीज़ें देख के कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है, तो डॉक्टर लोग गुंडे पाल रहे हैं इसी सब कामों के लिए। न किसी बुजुर्ग का ध्यान है, न किसी मरीज का ध्यान है, गुंड नहीं है, उम्र का कुछ कोई लिहाज नहीं है। मैं उसे बार बार कह रहा हूँ कि देखो, तुमसे बड़े बड़े हम लोगों के पास बच्चे हैं, भाई 66 साल की उम्र हुई है, और तुम बोलने की तमीज़ तो सीखो। आपका कुछ पैसा भी गायब हुआ? हाँ, 10,000 रुपया गायब हो गया, उसी भीड़ में कोई निकाल लिया है। अच्छा, माफ़ी वगैरह लोग मांगे हैं कि नहीं? माफ़ी किस बात की, कौन सी माफ़ी मांगे हैं? कोई आगे नहीं आया है अभी? नहीं, आए तो थे डॉक्टर साहब, लेकिन माफ़ी आई जैसी कोई बात नहीं हुई। मांग क्या है? भाई, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। ठीक है, प्राथमिकी आपने दी है अभी? हाँ, दिए दिया, लेकर के दिया गया है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।